देश में कोरोना की जांच में बीते कुछ दिनों से कमी देखी जा रही है। रविवार को सिर्फ 7,35,978 टेस्ट किए गए। यह 27 सितंबर के बाद यानी 98 दिन में दूसरा सबसे कम आंकड़ा है। 27 सितंबर को कुल 7,09,394 जांच की गई थी। इसके बाद 27 दिसंबर को 7,15,397 टेस्ट हुए। देश में अब तक 17.56 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं। देश में रविवार को कोरोना संक्रमण के कुल 16,678 केस आए। 19,658 मरीज ठीक हो गए, जबकि 215 की मौत हो गई। अब तक 1.03 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 99.46 लाख मरीज ठीक हो चुके, 1.49 लाख मरीजों की मौत हो चुकी है। अब सिर्फ 5 राज्यों में एक्टिव केस 10 से 10,000 से ज्यादा देश में इलाज करा रहे कोरोना मरीजों की संख्या यानी एक्टिव केस 2.42 लाख हो चुके हैं। बीते एक हफ्ते से इसमें हर दिन औसतन 4,778 की कमी आ रही है। टॉप 10 राज्य ही ऐसे हैं जहां 10 से 10,000 से कम एक्टिव केस हैं। इनमें केरल 65,277 मरीजों के साथ टॉप पर है 54,317 एक्टिव केस के साथ। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। 5 राज्यों का हाल एक। दिल्ली, यहां रविवार को 424 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, 708 लोग रिकवर हुए और 14 की मौत हो गई। अब तक 6,26,872 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 6,11,243 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 10,585 मरीजों की मौत हो चुकी है। 5,044 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। 2 मध्य प्रदेश राज्य में रविवार को 724 कोरोना संक्रमित पाए गए, 947 लोग रिकवर हुए और 14 की मौत हो गई। अब तक 2,44,026 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 2,31,533 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,641 मरीजों की मौत हो गई। 8,852 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। 3 गुजरात राज्य में रविवार को 715 कोरोना संक्रमित पाए गए, 938 लोग रिकवर हुए और 4 की मौत हो गई। अब तक 2,47,228 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 2,33,760 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,318 मरीजों की मौत हो गई। 9,150 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। 4 राजस्थान, शनिवार को राज्य में 467 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 890 लोग रिकवर हुए और 5 की मौत हो गई। अब तक 3,09,319 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 2,97,819 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,705 मरीजों की मौत हो गई है। 8,795 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। 5 महाराष्ट्र, यहां रविवार को 3,282 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, 2,064 लोग रिकवर हुए और 35 की मौत हो गई। अब तक 19,42,136 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 18,36,999 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 49,666 मरीजों की मौत हो चुकी है। 54,317 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है।